हेलो फ्रेंड्स, हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ए इज इक्वल टू 7 दिया हुआ और ए 13 इज इक्वल 35 दिया हुआ है। डी और आर स्टेटमेंट याद करना है। सबसे पहले मैं क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। हम लोग एक फॉर्मूला पहले लिखते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टू डी। ये फॉर्मूला लिख लिए। अब इसमें हम लोग सेट करेंगे, पहले ए 13 दिया हुआ है, यहाँ पर ए क्या लिखेंगे, 13 बराबर ए। ए का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 7 प्लस एन, एन का जगह कितना भरे हैं हमें, 13 भरे हैं, तो यहाँ पे 13 होगा, यानी 13 माइनस 1। और डी तो हमें निकालना है, इसलिए डी की जगह डी लिख देते हैं। और ये 13 का मान कितना दिया हुआ, 35, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 35 लिख देते हैं। और यहाँ पे 7 प्लस 13 में से करेंगे तो 12 डी। अब यहाँ पे 35 है, इसको उतारते हैं, 7 प्लस में जाएगा तो माइनस में, बराबर 12 डी निकालिए। तो डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, इसलिए डी इज इक्वल टू 35 में से हम 7 घटाएंगे, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 28 आ जाएगा, सॉरी 35 में 7 करें तो कितना आएगा, 28 आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 28 लिखते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा से कर देते हैं। और यहाँ पे जो 12 है इसको नीचे चल जाएगा, तो यहाँ पे 28 बटा 12 हो जाएगा। अब हम लोग उसको निकालते हैं, डिवाइड देते हैं, तो 12 क्या था, 6, 28 क्या था, 14, और 6 क्या था, 3, और 14 क्या था, 7। तो डी कितना निकल गया, 7 बटा 3, ये डी निकल गया। हमें क्या करना है, एस 13 ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं एस 13। और यहाँ पे तेरहवां पद क्या दिया हुआ है, लिख सकते हैं 35 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे L इज इक्वल टू 35। तो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़े उसी में हम लोग यूज करेंगे, n बाय टू ए प्लस एल, एन की जगह कितना है, 13 है, बटा 2, ए का मान दिया हुआ है प्रश्न में 7, प्लस एल का मान दिया हुआ है 35। इसे हम लोग सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 बटा 2 गुना 35 में 7 जोड़ देंगे, तो 7 5 12 का 2 और 3 1 4 42। अब 2 से हम लोग क्या करेंगे, 42 को भाग दे देंगे, 2 से जब उसको भाग देंगे 42 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो कितना आ गया, 13 गुना 21, दोनों को हम लोग गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर 13 को 21 को हम 13 से गुना करते हैं, तो 3 का 3, 3 दुना 6, 0, 1 का पड़ा 1 बार 1, 1 का पड़ा 2 बार 2, 3, 6, 1, 7, 2, यानी 273 आ गया। 273 हमारा क्या निकल गया, आंसर। तो हम एस 13 भी निकालनी है 273, और डी भी निकालनी है, तो ये एक आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। और इसका आगे पढ़ा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।